पुरानी अग्रवाल गौशाला शहर समाणा विखे श्री सत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। समूह अहुदेदार विश्व कल्याण आरिया श्री चंडी महायज्ञ समिति वालों समूह संगतां दे सहयोग नाल करवाए गए इन्हां समागमां मौके विशाल शोभा यात्रा कढ़ी गई, जिसका शहर निवासियों ने भरवां स्वागत किया। इस मौके माई मीरा जी फलौंड प्रसिद्ध कलाकार कनवर गरेवाल ने संगतां दा खूब मनोरंजन किया। जिन्हें भी आप बैठे सारे तो वड्डे अपने महापुरुष बैठे ने, मैनूं ये समझ नहीं आई कि अजे तक सत्कार नाम दा सस्ता नहीं पता लग्गिया कि सत्कार किसनूं कहिंदे ने। इंसान जो कदे गलती ना करे, फरिश्ता जो एक वारी कहे ते मन जले, उसनूं कहिंदे ने मनुख। हुण अपनी जरा अंदर दी हालत नूं देखना, जो बार बार कहे ते भी ना मन्ने उसनूं पशु कहिंदे, जो बार बार कहना पवे ना जिसनूं उसनूं पशु कहिंदे आ, और जो कदे भी ना मन्ने उसनूं शैतान जां दैत कहिंदे ने। अपने आप नूं चेक करो की आ, क्योंकि सत्संग एदां नहीं हुंदा। इहनूं सत्संग नहीं कहिंदे कि जो मन कहिंदा उह करो। इसलिए प्यारे, इन्ना सस्ता थोड़ी ना सत्संग। कोई पूर्वला कर्म हुंदा सब कुछ मिल जांदे आ। समागमां दे अखीरले दिन नौ कुंडी हवन जग होया, जिसकी पूर्णहूति मौके संगतां ने हाजरियां भर अपना जीवन सफला कीता। इस जग के सारे काम तेरे।
इस मौके परम पूज्या परमहंस स्वामी श्री ब्रह्मदेव जी महाराज जी गंगानगर वालिया ने कथाकर संगता नू निहाल कीता। सो सज्जनो, पुत्र वही है जो अपने माता पिता की इज्जत को बढ़ाए। जिस समय गुरु गोविंद सिंह साहब दीनागढ़ आए, दीनानगर पहुंचे, तो वहां उनको संदेशा मिला कि गुरुदेव बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हम तो उजड़ गए। गुरुदेव कहने लगे क्या? कहने लगे पहले तो युद्ध में दोनों पुत्र शहीद हो गए, अब आपके दो छोटे लाडले सरहंद की दीवारों में चिन दिए गए। बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा परिवार पे। गुरु साहब ने कितनी बड़ी बात कही। कहने लगा मुझे ये बताओ, उन्होंने उनके मुगलों के साथ बातचीत क्या हुई, वार्तालाप बताना जरा। उन्होंने कहा, बच्चों को कहा कि तुम्हें नाना प्रकार के सुख मिलेंगे, तुम्हारे को राज्य दे देंगे, तुम्हारे को 20-20 गांव दे देंगे, तुम्हारा जीवन बख्श देंगे, तुम अपना धर्म छोड़ दो और मुसलमान बन जाओ, दीन ग्रहण कर लो। तो गुरुदेव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? कहने लगे उन्होंने कहा कि जिस पिता ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता की हम संतान है, उस चौजी पातशाह हमारे परम प्रिय प्रीतम पिता ने इस धर्म के लिए अपने पिता को कुर्बान कर दिया। आज हम अपना सिर तो कटा सकते हैं, पर अपने पूज्य पिता का सिर झुका नहीं सकते। गुरु साहब ने कहा, फिर ये कहर नहीं, ये तो मेरे पुत्रों ने पूरी कौम के मान और सम्मान को ऊंचा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जो पुत्र इतना सोचता है कि मेरा सिर तो बेशक कट जाए पर मेरे पिता का सिर झुके ना, वही पुत्र कहलाने का हकदार है। सेवादारा वालों तैयार किया गया भंडारा सारिया संगतां ने इकट्ठे बैठ के छकिया। साडे रिपोर्टर गौरव कर शेरपुर नाल गलबात करदे आं। परमहंस स्वामी ब्रह्मदेव जी गंगानगर वाले बाबा गुरसाहिब सिंह जी 11 जी गंगानगर ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप जी ने अपने विचार रखे। जिहड़ा ए पंजाब दी धरती ते सवाने पिंड विच जग हो रहा है, वेख के बड़ा खुशी हुई, बड़ा मन नूं सुकून मिला। साडे स्वामी जी महाराज ब्रह्मदेव जी ने जो उपराला किया बड़ा सराहनयोग है, बड़ी संगतां च सरदा भावना देख के सानू बड़ा ही चंगा लग्या। आज से 38 वर्ष पहले 13 दिसंबर 1980 को हमारे परम पूज्य प्राता स्मरणीय संत बाबा करनैल दास जी महाराज जलाल वालों के कर कमलों से श्री जगदम्बा अंध विद्यालय का शिलान्यास हुआ। उसी 13 दिसंबर को 38 वर्ष पूरे होने के बाद श्री समाणा मंडी में, जिस मंडी का अन्न धन जन मन हर प्रकार का उस अंध विद्यालय को सहयोग है,
वहीं ये शतचंडी महायज्ञ के आयोजन का विचार आया कि उसी धरती पर ये यज्ञ हो। तो 13 दिसंबर से शुरू होकर के आज ये यज्ञ संतों के आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा के परम अपार कृपा दृष्टि से, दानवीरों के सहयोग से, सेवकों के सहयोग से बहुत ही सुंदर ढंग से ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को संपूर्ण किया। आज 21 तारीख है, आज इस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। इस यज्ञ के उपलक्ष्य में सबसे पहले कलश यात्रा निकाली गई, फिर ब्राह्मणों ने अग्नि मंथन कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस यज्ञ का संयोजन हमारे श्री कल्याण स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी धर्म संघ विद्यालय के संस्थापक की ओर से किया गया और हमारे विशेष मंत्र पर श्री स्वामी मेवादास जी भी यहाँ पधारे। बहुत बहुत दूर दूर से महापुरुष यहाँ आए। तो आज इस यज्ञ की जो पूर्ण होती है, उस पूर्ण होती पर मैं पूरी समाणा मंडी को, श्री गंगानगर के निवासियों को भी और जिनों जिनों ने भी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के बनाने में सहयोग किया, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस यज्ञ के लिए सभी को बधाई देता हूं जिनों जिनों ने भी इस यज्ञ में तन से, मन से, धन से सेवा करके सहयोग दिया। वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो गौरव गर्ग शेरपुर, मोबाइल 94170-36301 अते 98141-36301 94170-36301 अते 98141-36301।